जोधपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, रमजान में एक पिता का खूनी खेल, जन्नत के लिए मासूम बच्ची की कुर्बानी। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र पीपाड़ में सनसनी मची हुई है। इस घर में वारदात ऐसी हुई कि लोग सकते में हैं। रमजान के पवित्र महीने में एक पिता पर अंधविश्वास का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अल्लाह को खुश करने के नाम पर अपनी 4 साल की बच्ची की कुर्बानी दे दी। सहरी करने के लिए उठी तो अपने बच्ची रिजवाना जो थी उसको अपने बिस्तर पे नहीं पाया, तो उठकर अंदर गई जो पीछे कमरा बना हुआ घर में। कमरे के अंदर जाने पर उसने लाइट जलाई, जैसे ही तो वो उसकी बच्ची लव लुहान हालत में पड़ी थी, इसके गला रहता हुआ था। इससे पहले बच्ची की हत्या से ध्यान भटकाने के लिए परिवार के लोगों ने बिल्ली खाने की अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने बच्ची के पिता नवाब अली कुरैशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। मृतका बालिका के पिता नवाब अली पर संदेह हुआ तो उसको थाने पर लाके पूछताछ की गई, तो नवाब अली ने बालिका की हत्या करना स्वीकार की। थोड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ी पूछताछ की गई तो इसने शैतान हावी होने पर हत्या करना स्वीकार किया। इलाके के लोग इस वारदात से हैरान हैं। इस्लाम को जानने वाले सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ना हमारे इस्लाम ऐसा इज्जत देता है, ना कुर्बानी मांगता है, ऐसी कोई कुर्बानी नहीं। हमारी इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, रोजा रखना, ये हमारे धर्म बिल्कुल कतन गलत है। हमारा धर्म तो ये कहता है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कतन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब और आस्था अपनी जगह सच है, लेकिन सबसे जरूरी है धर्म में बताई गई सीख को ठीक से समझना। अगर इस्लाम की सीख को समझा गया होता तो एक मासूम ईद से पहले दर्दनाक मौत का शिकार नहीं होती।